बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा कि बुरहान वानी को आतंकवादी मानती हैं या नहीं, जिसके बाद हंगामा हो गया। कपिल मिश्रा यही नहीं रुके, कपिल मिश्रा ने महबूबा मुफ्ती से पूछा कि वो बुरहान वानी, अफजल गुरु और जेएनयू में नारेबाजी करने वाले लोगों को क्या मानती हैं। बाद में जब महबूबा मुफ्ती कार्यक्रम में बोलने आई तो उन्होंने कपिल मिश्रा के सवाल का जवाब दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं पता आपको कश्मीर की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन कश्मीर को आपकी ज़रूरत है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती भावुक भी हो गई। महबूबा मुफ्ती दिल्ली के भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी आए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरहान वानी आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। इनका आज हमने यहाँ फंक्शन किया, लोगों को ये पैगाम इसके जरिए मिलेगा कि अब कश्मीर आओ, अब लौट चले, कश्मीर आने की जरूरत है। नहीं, जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हो या नहीं मानते, ये बताना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानने से मना कर दें और फिर आप बोले कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा इंडिया में टूरिज्म? आप बोले कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप बोले टूरिज्म बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ जाएगा टूरिज्म? नहीं बढ़ने वाला साहब।